मेरे पास हैं ये लॉन्ड्री मैश बैग्स, इनको कहते हैं लॉन्ड्री बैग्स भी कहते हैं, इनको लॉन्ड्री मैश बैग्स भी कहते हैं, यानी कि ये ख़ास आपके लॉन्ड्री के लिए बने हैं कि इसके अंदर आप अपनी लॉन्ड्री डालकर वॉश कर सकते हैं। अब किस तरह की लॉन्ड्री डालकर वॉश कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशी आमदी। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स एक नया दिन, एक न्यू वीडियो, एक न्यू कॉन्टेंट, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक न्यू वीडियो का टॉपिक लेकर। तो चलिए आइए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास हैं ये लॉन्ड्री मैश बैग्स, इनको कहते हैं लॉन्ड्री बैग्स भी कहते हैं, इनको लॉन्ड्री मैश बैग्स भी कहते हैं, यानी कि ये ख़ास आपके लॉन्ड्री के लिए बने हैं कि इसके अंदर आप अपनी लॉन्ड्री डालकर वॉश कर सकते हैं। अब किस तरह की लॉन्ड्री डालकर वॉश कर सकते हैं, आप इसके डिफरेंट यूजेस ले सकते हैं, जैसे कि कुछ आपने सॉक्स वगैरह वॉश करने हैं, या कुछ आपके कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, और छोटी छोटी कोई चीज़ है जो कि आपको लगता है कि वॉशिंग मशीन में रह जाएगी या टक जाएगी या मुझे मिलेगी नहीं, या खोने का जो है उन्हें डर होता है, क्योंकि सॉक्स का अक्सर यही होता है कि जब भी आप वॉश करें तो एक होता है और दूसरा पेयर उसका नहीं मिलता। तो बेहतर है कि आप इस तरह के ये लॉन्ड्री बैग्स मिलते हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो आप ये छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये लिंजरे वगैरह जो आपके होते हैं उनके लिए वॉश करने के लिए भी होते हैं कि आप इसके अंदर रखकर आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट साइजेस के आपको मिलेंगे, अब ये इजीली अवेलेबल है और डिफरेंट पीसेस में मिलते हैं, 3 पीसेस का सेट, 2 पीस का सेट, मतलब 2 पीस से स्टार्ट होते होते ये 7 पीसेस तक का सेट लास्ट है, और ये मैंने 7 पीसेस का सेट मंगाया है जिसमें डिफरेंट साइज है। इसमें सबसे बड़ा साइज मैं आपको दिखाती हूँ, तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं ये डिफरेंट पीसेस का सेट है, मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये नंबर 1, आप इसका साइज़ देख सकती हैं, इसके अंदर आप कोई भी अपना फैंसी सूट भी रखकर जो है वॉश कर सकती हैं, जैसे कि दुपट्टा हो गया, लहंगा हो गया, फ्रॉक हो गया, ये सबसे बिगर साइज़ है। उसके बाद जो है एक और साइज़ है इसका, वही आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको लेंथ और विड्थ के हिसाब से आप इनके साइजेस चेक कर सकते हैं कि सबसे नीचे वाले की जो है विड्थ, चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है जबकि इसकी छोटी है। इसके बाद ये वाला है, ये विड्थ में भी और लेंथ में भी छोटा है। इसके बाद ये वाला है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 जो है पीसेस का सेट इस तरीके का है, और इसके साथ ये छोटे ये दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसके अंदर आप अपने लिंजरे वगैरह रख सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी अपने ग्लव्स, कैप्स, कुछ भी जो है आपको लगता है कि वो वॉश करने हैं और वो ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी फैंसी कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे फैंसी अक्सर कैचर्स, पोनीज ऐसी होती हैं जो वो भी आपने वॉश करनी होती हैं, तो वो भी ईज़िली जो है आप इसके अंदर रख कर आप वॉश कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने इसको ठहरने के लिए अंदर प्लास्टिक का इन्होंने फ्रेम भी बना के दिया हुआ है ताकि एक जगह ही रहे, और इसकी ज़िपर की क्वालिटी इसकी बहुत बेस्ट है, आप ये देख सकते हैं, ताकि ज़िप बिल्कुल भी ना निकल जाए। अक्सर ये होता है कि जो लो क्वालिटी की होती हैं जब हम यूज़ ज़िप करते हैं तो वो यहाँ से निकल जाती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने लॉक किया हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने ज़िपर के लिए लॉक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये मैंने जो है दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया था।
तो भी बस देखे आपने वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखा बताया लॉन्ड्री बैग्स के बारे में। ये लॉन्ड्री बैग्स मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था परचेजिंग ऑनलाइन के बारे में। जो मैंने लॉन्ड्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन परचेज की थी उनमें ये डिले हो गया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल सेलर से मैंने जो है परचेज किया था और उसको आने में तकरीबन महीने से दो महीना इसको लग गया था आने में कोविड-19 की वजह से। उस कोरोना की वजह से बहुत जो है लेट हो गई थी डिलीवरी, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है लेट आया था, तो मैं नहीं दिखा पाई थी उस वीडियो में। तो इस वजह से मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई है और इसको अलग से मैंने आपको समझाया कि आपने इसको लॉन्ड्री बैग्स को किस तरह से यूज़ करना है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं, आपको फैंसी सूट धोने होते हैं, आपने कैजुअल के धोने होते हैं, बहुत सारे लेडीज सूट के अंदर बटन्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जो हमने बटन्स या लेसेस वगैरह लगी हुई हैं वो ख़राब ना हो जब आप वॉश कर रहे हो, तो हम किस तरीके से करें। अगर आपके पास ये लॉन्ड्री बैग्स मंगवा नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते ऑनलाइन, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप इस तरह का जो है आपके पिलो कवर्स जो होते हैं, जो पिलो कवर्स होते हैं या कुशन कवर्स जो होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कुशन कवर्स भी जो है बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, उनमें भी जिपर होती है, और पिलो कवर्स भी बाज ऐसे होते हैं जिनमें जो है जिपर लगे होते हैं, तो आप उसके अंदर भी डालकर वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अब अगर हम ये परचेज नहीं कर सकते लॉन्ड्री बैग तो हम क्या करें। तो आप जो है कुशन कवर्स और पिलो कवर्स को भी आप लॉन्ड्री बैग्स की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। तो आप ये, लेकिन लॉन्ड्री बैग्स जो हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं, और वक्तन फवक्तन जो है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बताती रहूँगी कि हमने किस तरीके से इन लॉन्ड्री बैग्स को यूज़ किया है और क्या क्या मैंने इसके अंदर वॉश किया है। आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं लॉन्ड्री बैग्स के अंदर क्या वॉश करूँ। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले फैंसी सूट्स ही होते हैं, लेडीज़ के बटन वाले सूट होते हैं जो इन लॉन्ड्री बैग्स के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रखकर वॉश किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आया होगा कि आप इन लॉन्ड्री बैग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या काम है, और अगर आपके पास नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।